नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओक ग्रोव स्कूल के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन निकल चुके हैं। 21 जनवरी को ऑनलाइन, आप 21 जनवरी के बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, 27 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फाइन जमा करके आप अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ओक ग्रोव स्कूल की स्पेशलिटी क्या है, फोर्थ क्लास से लेकर के 11th क्लास के बच्चों का फॉर्म आप भर सकते हो। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी को एग्जाम है सुबह 10:30 बजे। तो आपको किस किस बातों का ध्यान देना है, आपको सबसे पहले अपने बच्चे का, लड़के लड़की का फॉर्म भरवाना है। 3,000 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म 7419999228 पर कॉल करके आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं, हमारी मदद लेकर के। हमारी टीम आपका फॉर्म भर के देगी और जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका एग्जाम भी हम दिलवा के लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे एक बच्चे का एडमिट कार्ड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भरा है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आउटसाइडर्स हैं, यानी हमारे हॉस्टल के नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कई लोग बहुत खुद फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं, तो उन गलतियों से आपको बचना है। तो देखिए, ये जो एडमिट कार्ड है, आपको मैं बता दूं, 131 साल पुराना इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इंडियन रेलवे का स्कूल है। रेलवे वालों से सिर्फ 70,000 रुपये फीस ली जाती है, जबकि जो सिविलियंस होते हैं 1,80,000 रुपये फीस उनको जमा करवाना पड़ता है। तो ये हमारे हॉस्टल का बच्चा है वरुण, इनका फॉर्म हमने भरा और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए लिया है। तो देखिए, किस क्लास के लिए, एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास, तो यहाँ पे हमने देखा है ये किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फिफ्थ क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रोल नंबर यहाँ पे आ चुका है 5117, ये बच्चे का रोल नंबर है। इसके नीचे थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है 2025-2643। ये क्या है, वरुण का एप्लीकेशन नंबर है। आगे देखें, बच्चे का नाम क्या है, एम जी वरुण। जेंडर क्या है, मेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20 दिसंबर 2010। फादर का नाम यहाँ पे आ चुका है, मदर का नाम आ चुका है। एग्जाम किस दिन है आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम जो है वो आपका 31 जनवरी 2020 को, यानी जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। और एग्जाम की टाइमिंग क्या है, सुबह 10:30 बजे। तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। और एग्जाम सेंटर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पटेल नगर, नियर श्री महेश इंद्रीश हॉस्पिटल, ऑपोजिट लाल पुल चौक, देहरादून, उत्तराखंड। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है और देहरादून से करीब 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो जो भी लोग पेपर दिलवाने जा रहे हैं वो ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। आपको डायरेक्ट देहरादून पहुंचना है और देहरादून से इसका जो लाइव लोकेशन है वो शेयर किया गया है वेबसाइट पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए यहाँ पे। टोटल आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको मैं ब्रीफली समझाऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर, यानी जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कम से कम 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट, द गूगल मैप लिंक फ्रॉम ISBT देहरादून टू द एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द टैब एडमिशन। तो आपको क्या है, जो टैब एडमिशन है, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे www.oakgrove-jharapani.in में जब आप जाएंगे ओक ग्रोव स्कूल की वेबसाइट पे, तो वहां पे एडमिशन टैब में आपको मिल जाएगा लाइव लोकेशन जो एग्जाम सेंटर है वहां का। तो आप गूगल का यूज करके वहां तक पहुंच सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, यानी अगर आपके बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपके बच्चे को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट हैज टू राइट द आंसर यूजिंग ब्लू ब्लैक बॉल पेन ओनली, यानी बच्चों को जो आंसर लिखना है वो या तो सिर्फ ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या ब्लू पेन, और सिर्फ बॉल पेन का इस्तेमाल करना है।
जो जेल पेन होते हैं, इंक पेन होते हैं, वो फैल जाते हैं कहीं ना कहीं पानी लगने की वजह से, वो खराब हो सकता है। इसलिए ब्लैक और ब्लू बॉल पेन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज किया जाता है। दे शुड ब्रिंग विद देम सफिशियंट नंबर ऑफ पेन्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स। हर बच्चे के पास अपना पेन और अपना ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कीप एनी बुक, कॉपी, पेपर और एनी इलेक्ट्रिक गैजेट विद देम इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं है कि वो बुक्स लेकर के जाए, कॉपी लेकर के जाए, पेपर लेके जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कैलकुलेटर, लॉग टेबल या आपका स्मार्टफोन, इस तरह का कोई भी चीज एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना अलाउड नहीं है। पांचवा पॉइंट, एनी कैंडिडेट और पेरेंट यूजिंग अनफेयर मीन्स विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एडमिशन टेस्ट। यानी अगर कोई भी बच्चा या पेरेंट्स किसी भी गलत तरीके का अनफेयर मीन यूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो डिबार्ड यानी उनको, उनका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा एंड दस विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जाम इन ओक ग्रोव स्कूल इन फ्यूचर एज वेल। यानी वो बच्चा वहां से तो निकाला जाएगा, उसके साथ ही फ्यूचर में भी कभी भी ओक ग्रोव स्कूल का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो पेरेंट्स इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं और इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्स को भी पास करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है अपने बच्चे का, तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, सॉरी 31 जनवरी को एग्जाम है और 27 जनवरी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए 7411992928 पर कॉल करके। अब मैं सिक्स्थ पॉइंट पढ़ूंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको, क्योंकि 31 तारीख को पेपर है, 1 और 2 तारीख को वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास ध्यान से समझिए हर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि 1 और 2 तारीख को बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा, रिजल्ट सेम डे आपका अनाउंस हो जाएगा, तो आपको एक दिन का इंतजार करना है। शाम को जैसे आप दिन में पेपर देंगे, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, अगले दिन आपको वाइवा कंडक्ट करने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं और सेकेंड जो ए पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। टू रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद प्लेन बैकग्राउंड। यानी जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए विद प्लेन बैकग्राउंड। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय एमसी कमिटी, यानी आपके पास जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए ओरिजिनल और उसको अटेस्ट करवाना है। थर्ड पॉइंट क्या है, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए और उसको अटेस्ट भी करवा करके लेके जाना है, तो एक फोटो कॉपी भी उसको अटेस्ट करवा करके लेकर के जाना है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट स्कूल वेयर द स्टूडेंट इज स्टडिंग शोइंग हिज हर डेट ऑफ बर्थ एंड द क्लास इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग। यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है करंटली उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और प्रेजेंटली वो किस क्लास में पढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ओरिजिनल, अगर आपने अप्लाई किया है एससी एसटी ओबीसी कोटा के लिए तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक अटेस्टेड कॉपी भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, रेलवे एम्प्लॉई सर्टिफिकेट इशू बाय, जो रेलवे है, जो बच्चे जिनके फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉई है उनको ध्यान देना है, उनके पास होना चाहिए रेलवे एम्प्लॉई सर्टिफिकेट इशू बाय डीपीओ, यानी डीपीओ और जेएजी ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जिनके माता पिता रेलवे एम्प्लॉय है उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए अगले दिन वाइवा के दौरान। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ओक ग्रोव स्कूल में जो फीस है मैं आपको बता दूं, 1,80,000 रुपये फीस है। स्कूल बहुत जबरदस्त है, हाई फाई है, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एडमिशन करवाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ टेस्ट देना है ताकि आपको सीखने का मौका मिले, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हर पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1,80,000 रुपये फीस जमा कर सके, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो सभी की है कि वो पेपर दिलवा सकते हैं, थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा चांस लें और आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है, जो रेलवे एम्प्लॉयज है सिर्फ 70,000 रुपये फीस है। 27 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 3,000 रुपये में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा, आप अपना स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे स्कूल में आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।